एल्विन प्रिस्ली को दुनिया के कौन नहीं जानते हैं। रॉक एंड रोल तो सबसे पहले उन्होंने ही बनाए थे। अपनी जिंदगी में वो धन और दौलत के बिल्कुल बुलंदी को छू चुके थे। सिर्फ 31 साल की उम्र में ही उनकी बाजार में 71 ब्रांड चालू था। लाखों लोग उनके एक कॉन्सर्ट देखने के लिए सालों तक इंतजार करती रहते थे। उनके हाथों के एक स्पर्श पाने के लिए फैंस पागल हो जाते थे। वो दुनिया के पहले सिंगर थे जो प्राइवेट जेट में घूमते थे। 500 मिलियन रिकॉर्ड बेचने की रिकॉर्ड भी जिनके नाम पर है वही है एल्विन प्रिस्ले। कॉन्सर्ट के समय पे जब वो अपना जैकेट फेंक देते थे तो वो लाखों रुपए में नीलाम होता था। यही एल्विन प्रिस्ले एक दिन जब अपने घर पर अकेला ही बैठे थे तब उनके सेक्रेटरी ने उनसे पूछा था, लाखों करोड़ों फैंस बनाकर जिंदगी में इतना ज्यादा सफल होने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? तब एल्विन प्रिस्ले ने जवाब में कहे थे, खुद को बहुत ही अकेला महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बस खत्म हो चुका है। लाखों लोग जिनके कॉन्सर्ट देखने के लिए पागल बन जाते हैं वो ही कह रहे हैं कि वो बहुत ही अकेला है। सिर्फ 41 साल की उम्र में ही वो मर चुके थे। उनके मौत की असली वजह अकेलापन और बहुत ज्यादा नशा करना ही था। शायद वो अकेलेपन से ही थक चुके थे और इसीलिए ही ज्यादा नशा करने लग गए थे और धीरे धीरे मौत के मुंह में सो गए थे। सारे जिंदगी भर लोगों को इंस्पिरेशन देने वाले डेल कार्नेगी भी एक ही राही के सवारी थे। लाखों डॉलर के बिस्तर पर सोने वाले माइकल जैक्सन को भी रात बेरात नींद नहीं आता था, वो भी अकेले थे। 10 स्लीपिंग पिल खाने के बावजूद भी वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाते थे। करोड़ों फैंस होने के बावजूद भी आखिर में मौत के मुंह में ही चले गए थे। दुनिया के सारे महान व्यक्तियों के अंदर एक थे नेपोलियन बोनापार्ट। जिंदगी की कामयाबी की बुलंदी को छूने के बाद नेपोलियन ने कहा था, सारे दुनिया को शायद अपने पैरों तले रख सकता हूँ लेकिन जिंदगी भी कितनी अजीब है, एक दिन भी मुझे शांति नहीं मिली है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे उदाहरण है। पैसे इंसान को इलाज और दवाई तो दे सकता है पर बेहतर स्वास्थ्य नहीं दे सकता। अच्छे महंगे बिस्तर भी दे सकता है पर चैन की नींद नहीं दे सकता। अच्छे खाना भी दे सकता है पर हजम करने की ताकत नहीं दे सकता है। दुनिया के ऐसे कामयाब इंसानों को आखिर किस चीज की कमी थी? महंगे घर, गाड़ी, नाम, क्या किसी चीज का कमी थी उनके पास? उनके पास सिर्फ एक ही चीज की कमी थी और वो थी मानसिक शांति। हमारे जिंदगी में अक्सर लोग पैसों के पीछे ही भागते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहे है कि इंसान पहले जिंदगी के आधे समय धन के पीछे भागकर अपने जिंदगी को और अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं और जिंदगी की बाकी समय पे अपने खोए हुए स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए उस धन को ही नष्ट करते रहते हैं और आखिर में ऐसे मरते हैं कि वो कभी भी इस दुनिया में शायद आया ही ना हो। अक्सर देखा जाता है एक हर रोज 200 रुपए रोजगार करने वाला आदमी चैन की नींद लेता है पर स्विस बैंक में 200 करोड़ रुपए रखने वाला इंसान कभी भी चैन की नींद भी नहीं ले पाता है। और इसीलिए जिंदगी में सब कुछ चाहना ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिंदगी में अगर आप सब कुछ पा लेंगे तो फिर आपके जीने की इच्छा भी शायद नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कॉमेंट पे बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए या फिर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलता रहे।